और ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, अगर गई सरकार तो फिर ये किसकी हार मानी जाएगी, अपने आप में ये सवाल बड़ा हो जाता है। आदित्य, आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होगा राहुल नार्वेकर के लिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का हम ऑर्डर देखें जो एक बेसिस है इस पूरी डिबेट का, तो उस ऑर्डर में, यूनानिमस जजमेंट में जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीजेआई ने प्रोनाउंस की थी, उसमें क्लियरली कहा गया था कि क्वेश्चनेबल था उस वक्त के जो गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी जी, उनका वो जो पूरा डिसीजन था कि एकदम ही फ्लोर टेस्ट बुला लिया जाए और इन्हीं को इन्वाइट कर लिया जाए। हालांकि फ्लोर टेस्ट बुलाना उद्धव ठाकरे की रेजिग्नेशन के बाद लाजमी था, लेकिन फिर भी ये कहा गया था कि बहुत जल्दी कर दी गई थी। और सेकेंडली, कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को सारी पावर्स दी और ये माना कि राहुल नार्वेकर एज स्पीकर, उनकी अथॉरिटी है ये डिसाइड करना कि कौन सी पार्टी इंपॉर्टेंट है। लेकिन रोमाना, हमें ये भी याद रखना होगा कि जो चीफ विप राहुल नार्वेकर ने रिकॉग्नाइज किए थे उस वक्त, उन चीफ विप को इलीगल ठहराया था कोर्ट ने अपनी जजमेंट में। तो ये बहुत एक, जिसको कहते हैं, स्लिपरी स्लोप है राहुल नार्वेकर के लिए कि किस तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन नहीं छोड़ा था मैटर, उन्होंने अच्छे से फैक्टर्स को भी अंडरलाइन किया था कि क्या क्या देखना होगा, पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन देखनी होगी। कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि नंबर गेम में मत उलझें स्पीकर, कि आप ये मत देखिए कि शिंदे, और ये भी बोला था कि स्प्लिट है कि डिफेक्शन है, इन दोनों में एक फाइन लाइन है 10th शेड्यूल के अंदर। क्योंकि जहां से ये मामला शुरू हुआ था वहां तो बात 16 विधायकों को लेकर थी ना, और इसी वजह से शिवसेना ये क्लेम करके, शिवसेना उद्धव गुट ये क्लेम लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इन पर तो डिफेक्शन लागू होना चाहिए, इनको तो पार्टी से बाहर निकालना चाहिए और इन्हीं को न्योता देकर आप सरकार बना ले जाते हैं। तो मामला वाकई में बहुत पेचीदा है। सवाल महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, अगर गई सरकार तो किसकी हार। लेकिन उससे पहले शुक्ला जी, आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासी दिशा में आज का फैसला कोई बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है? दो तीन चीज़ें हैं। यदि सरकार को बचा के रखना चाहते हैं राहुल नार्वेकर जी, तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग के फैसले को आधार लेंगे, क्योंकि तो चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्णय दिया गया है उसमें शिंदे गुट को उन्होंने क्लीन चिट दिया है और ये कहा है उसको मान्यता दी है और उनको चुनाव चिन्ह दे दिया, पार्टी ऑफिस दे दिया, एक तरह से उद्धव ठाकरे गुट को कहीं ना कहीं बाहर कर दिया है चुनाव आयोग ने। तो राहुल नार्वेकर एक बार उस आधार को भी ले सकते हैं यदि वो सरकार को बचाना चाहते हैं। दूसरा, ये कोई नया मामला नहीं, इसके पहले राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो ये विषय आया था, अयोग्यता का प्रश्न आया था, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक लगातार बने रहे और सरकार 5 साल तक चली। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पे नार्वेकर सरकार को बचा के रखना चाहते हैं या कोई दूसरा रास्ता देखते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला आएगा, तो वो निश्चित तौर पे कोई ना कोई एक बड़ा सस्पेंस बना के उन्हों चल रहे हैं कि जो शाम तक एक सस्पेंस बना रहे हैं, शाम को खुलेगा वो कि सरकार रहेगी या जाएगी और ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।